Namaste and welcome to today's episode of Interview. Guest for today's evening is an amazing personality who is from the field of wildlife photography. So without any further delay, let's get started. Hello and welcome Mr. Ankush Thakur to this session of Interview. Thank you so much for your valuable time. My name is Ankush Thakur. Basically, I'm from Bangladesh, a small town. Regarding my photography, I started my journey in 2014. तक 8 साल हो चुके हैं. अभी जब मैंने स्टार्ट, तो मैं हर कुछ शूट करता था, मतलब जो भी मेरे सामने से कुछ भी आता था मैं शूट करता था. एंड बाद में आई रियलाइज दैट मेरा जो इंटरेस्ट है वो नेचर में ज्यादा है, नेचर है. सो आई स्टार्टेड विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी choose as a genre of photography for myself. This is it. Yeah, it's really nice to hear about your background. But now we would like to know, do you think that wildlife photography is key to wildlife conservation? Absolutely. Wildlife photography is, from my point of view, it is key to wildlife conservation. हम देखते हैं, अगर करते हैं उसके थ्रू हम स्टोरी है वो लोगों को बता सकते हैं कि जैसे आप आजकल जो है प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट का, जो है ग्लोबल वार्मिंग है, फिर जो भी एनवायरनमेंटल इश्यूज है, वो हम लोग लोग लोगों को लगता है नहीं है, अगर आएंगे तभी वो अवेयर हो पाएंगे इस चीज. तो मेरे को लगता है कि जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें कॉन्सेप्ट में. कुछ लोग जैसे सुना होगा कि कुछ नहीं करने चाहिए, एनिमल को डिस्टर्बेंस, बट मेरे आइडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करता है और इट्स कॉन्जर्वेशन. नहीं होगा या लोग आएंगे तो उस पार्क में पैसा भी नहीं आएगा, तो पैसा नहीं आएगा वहां, कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे. फोटोग्राफी इज वेरी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. बिल्कुल आपने सही बात कही. तो आपके हिसाब से ऐसा क्या, कौन सी टिप्स होगा जो आप यंग एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे कि जो मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं? देखिए क्या है कि इसको मैं पॉइंट्स में बताना, मोस्टली जो बिगिनर फोटोग्राफर है, मोस्टली जो बिगिनर होते हैं उनके क्वेश्चन होता है कि हमें गियर लेना चाहिए, हमें कोई टिप्स, शॉर्टकट वाला टिप्स दे दो जिससे हम जल्दी से खींच लें. तो मैं उनको सभी कहना चाहता हूँ कि पहली बात है कि कोई भी नहीं होता है, बीट फोटोग्राफी एनी फील्ड, कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर चीज का एक प्रॉपर वे होता है करने का. बस जैसे गियर है तो फर्स्ट आई वेंट कि आप अपने आप में इन्वेस्ट. देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड अदर कोर्सेज यू हैव डन दैट विच गियर फॉर योर सेल्फ. अगर वो आप अफोर्ड, जैसे गियर तो बड़े सारे, अगर आप उनको अफोर्ड ही ना कर पाए तो फिर कोई वैल्यू नहीं है. तो देन सिचुएशन इज वो ही गियर में फोकस कर रहे हैं जो आप अफोर्ड कर पाए. दूसरा है, सेकंड पॉइंट इज कि है उनमें ध्यान दें. कई बड़े सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जो अपने अपने आपको देते हैं, ऑफर करते हैं, आप जाएं और उनके थ्रू, और ये किसी ये सेटिंग्स के आप जितना प्रैक्टिस करेंगे फील्ड में, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे. और सबसे बड़ी बात है कि जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर करना चाहते हैं या बर्ड फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपको जो बर्ड का बिहेवियर है, बिहेवियर है आपको पता होना चाहिए. फिर का कुछ नॉलेज नहीं होगा, फोटोशूट करना चाहते हैं एक बर्ड का,
तो आप उस कर पाएंगे उस इमेज में जो होनी चाहिए. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो द वर्ड और एनिमल. सीखे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है फील्ड में जाना, प्रैक्टिस करें. Do you have any happiest moment in your wildlife photographic career? Yes, I cannot say that there are certain moments, but जब मैं नेचर में जाता हूँ तो सारे ही हैप्पी हैं. मैं जब भी नेचर में सबसे हैप्पीस्ट तभी होता हूँ जब मैं नेचर में या वाइल्ड लाइफ के अराउंड होता हूँ. बट अगर आप पूछेंगे कि कोई एक, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो सेंट्रल इंडिया के जंगल जब मैं उनमें जाता हूँ तो उनकी ब्यूटी इतने वहाँ पे मैं अपने आप को सबसे हैप्पी करता हूँ. तो वही मोमेंट्स हैं जो मैंने वहाँ पे स्पेंड करे हुए सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में. जब भी आप फोटो खींचते हो तो ऐसा कौन सा मतलब कहानी है जो आप अपने पिक्चर्स में ढूंढते हो दर्शकों को दिखाने के लिए? देखिए कोई पिक्चर शूट किसी एनिमल की, किसी बर्ड की, तो मैं कोशिश कि उसमें कुछ स्टोरी टेलिंग हो सके ताकि जब जब भी कोई इसे देखते ही उससे जो स्टोरी है उससे वो कुछ सीख सके. तो स्टोरी टेलिंग, इट्स ऑल अबाउट टेलिंग. सो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ बिहेवियर ऑफ द एनिमल, बिहेवियर ऑफ द बर्ड उसमें मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ. और उसके बाद मैं कौन से फोकस करता हूँ कि किस तरह से हम ह्यूमंस जो है वो करते जा रहे हैं और उसकी वजह से बर्ड्स को एनिमल्स है. और ऐसा नहीं लोगों को ही कि अगर सब हमें कॉन्जर्वेशन हमको सबको साथ में लेके चलना है. कहता हूँ कि अपने पिक्चर में ये स्टोरीज कि हमारी वजह से हो रही है तो हमें उस चीज को रिड्यूस करना है. तो ये मेरे आपने देखा भी होगा मेरी पिक्चर, आइडिया होगा उसका. आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बर्ड्स फोटोग्राफी के लिए कौन सा गियर्स यूज कर रहे हैं? कहा जाता है कि स्पेसिफिक गियर्स ही होते हैं कि बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए. देखिए मैं जो गियर यूज करता हूँ मैं कैनन का गियर यूज करता हूँ. तो कैनन का 70 मार्क टू कपल्ड विद 400 5.6 वेरी ओल्ड लेंस. ये लॉन्च हुआ था 1993 में. ये बहुत ही अच्छा लेंस है फॉर अ क्रॉप सेंसर. मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि हमें इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए कैनन का. कैनन ये डिबेट है, यू नो कैनन है, निकॉन है, ऑल मैन आर वेरी गुड. To focus on what is good for ourselves, what setting should be on the field. तो हम इन सारी चीजों को हमें पहले नॉलेज देना है इन चीजों का. ऐसा नहीं है कि गियर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, गियर इम्पोर्टेंट है. जो लोग बोलते हैं गियर इम्पोर्टेंट नहीं है, खुद उनके पास अच्छा अच्छा गियर होता है फिर भी वो बोलते हैं इम्पोर्टेंट नहीं होता है. I would recommend कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो गियर ही आपके लिए अच्छा है. ठीक है, hope this may be helpful to the young aspirants in gaining knowledge regarding gears in birds and wildlife photography. So अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका experience in visiting Amb Jungle Reserve and Pong Bird Sanctuary, क्योंकि आपने बहुत सारे फोटो इन दोनों जगह पे खींची है, Pong Bird Sanctuary and Amb Jungle River, sorry, Reserve. So, both places are entirely different from each other. अगर आप की बात करें तो it's not kind of
डेडिकेटेड या डेजिग्नेटेड नेशनल रिजर्व है या कोई, इट जस्ट अ रिजर्व विच कम्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, राइट। सो ये क्या है कि हिली फॉरेस्ट है और यहाँ पे पैसराइन बर्ड, कलरफुल बर्ड्स हैं जो माउंटेन्स में मिलते हैं, आप मिल जाएंगे। बट द सिचुएशन है यहाँ पे इतनी थिक कि यहाँ पे जो प्रॉपर प्लीजिंग फोटोग्राफ ले पाना, द प्लीजिंग बैकग्राउंड होता है। तो ऐसा है कि फोटोग्राफ तो आप ले सकते हैं, बड़े सारे आपके पास बड़े सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, बट प्रॉपर प्लीजिंग फोटोग्राफ ले पाना बहुत ही डिफिकल्ट है थिक फॉरेस्ट कवर। सो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी है कि यहाँ पे बड़े सारे बर्ड्स मिलते स्पीशीज यहाँ पे हैं, बट यहाँ माइनस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट जिसको मैं बोल सकता हूँ वो कि यहाँ पे हम प्रॉपर अच्छा फोटोग्राफ से ले सकते हैं, क्योंकि कवर में है तो कवर में आपको अपना आई है वो हाई करना पड़ेगा, शटर स्पीड पड़ेगा, जिसकी वजह से होता है कि आपका फोटोग्राफ अच्छा नहीं। तो दूसरा है पोंग डैम, यू नो पोंग डैम इज अ बर्ड सेंचुरी एंड इट इज अ रामसर वेटलैंड साइट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ लेक बिल्ट अ डैम, महाराणा प्रताप डैम। सो ये जो ये तो मैं कहता हूँ कि पैराडाइज है के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब बर्ड्स हैं यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे हर साल आते हैं, तो वाटर बर्ड्स के लिए एक हेवन है। तो यहाँ पे आप इजीली प्लीजिंग बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ्स हैं वो इजीली कैप्चर हैं, इसका यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो दोनों ही जगह, जैसे हमने बात करी कि जो आम जंगल रिजर्व है और ये है, ये दोनों ही फ्रॉम ईच अदर। तो ये है इन दोनों जगह। आप पहले ऐसे गेस्ट हो इस शो पर जिन्होंने मतलब इन दोनों जगह के बारे में बात किया है, मतलब पहली बार मैं इन जगह से काम देखी हूँ और आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप चलते हैं कि आपकी कुछ खींचे हुए तस्वीरों के बारे में बातें करते हैं, और फर्स्ट पिक्चर है रेड बिल ब्लू मैगपाई फ्रॉम आम जंगल रिज, वाज रियली इनक्रेडिबल। सो हाउ डिड यू गेट दिस शॉट? The photograph, can you see it? Yeah. You know this photograph of an Am Jungle Reserve. मैं यहाँ पे मेरे घर के काफी पास है Am Jungle Reserve, काफी बार आता जाता रहता हूँ। तो ये dedicated जगह थी जहाँ पे मैंने इस magpie का, उनको पता था कि यहाँ पे ये birds हमेशा आते हैं। यहाँ पे सनसेट के टाइम का फोटो है जब यहाँ पे लाइट बिल्कुल इन टहनियों के ऊपर जो ये ऊपर पड़ती थी, तो मैंने पहले से ये प्री रखा हुआ था अपने माइंड में कि जब बैठेगा तो मैं यहाँ पे ये फोटोग्राफ कैप्चर कर, और सडनली ये ब्यूटीफुल बर्ड यहाँ पे आके, और मैं इस कैप्चर कर पाया। आप इसकी सेटिंग्स देखेंगे तो ये फोटोग्राफ जो है पहले से मैंने एक्चुअली ये इसलिए प्री विजुलाइज करके रखा हुआ था कि कोई एक्शन हो सकता है कि जब वो फ्लाई करेगा या वो, ये मैंने 1/60 के ऊपर लिया हुआ है। एंड दिस वाज रियली इनक्रेडिबल पिक। अनदर रेयर शॉट फ्रॉम योर गैलरी इज द क्रिम्सन सनबर्ड। Yeah. So, could you please share the storytelling behind that click? Okay. So, जब ये भी मैंने में ही फोटो क्लिक करा हुआ है, हिबिस्कस के पेड़ है, अगर आप प्रॉपर उसका फोटो पाए होंगे तो हिबिस्कस का उसका फ्लावर भी है, राइट। तो अब क्या है कि ये जब दे यूज टू ड्रिंक नेक्टर फ्लावर्स, तो जब वो हॉप करते हैं वन अनदर फ्लावर,
तब में आया कि जब ये वॉक करते हैं तो ये मैं फ्लाइट शॉट ले सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छे, बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं। तो उसी टाइम मैंने पहले से प्री विजुलाइज करके शटर स्पीड को मैंने 2500 के ऊपर रखा हुआ था। बट यू नो मैंने जैसे पहले कि आम जंगल रिजर्व इज अ फॉरेस्ट, तो वहाँ पे मेरे को अपना ISO भी विच इज 8000, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको आइडिया होगा फोटोग्राफी में विद लाइक 7D मार्क टू इट इज क्वाइट हाई, बट फिर भी मेरे को डिजायरेबल शॉट था वो मिल पाया और एक बहुत ही अच्छा शॉट है मेरे लिए। Pong Bird Sanctuary, you have shared one of your peak, that is the pair of a Sarus crane. This is the picture. जो Pong Dam Bird Sanctuary है, उस river feed करती है, जो major river जो उसको feed, that is Bias River. तो ये बिल्कुल opening Pong Dam जहाँ से start होता है Pong Dam, वहाँ पे और ये रिवर है, रिवर का ली हुई है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे इनके फ्रंट में कुछ आप देख रहे हैं, तो इनके में कुछ गिरा हुआ है। तो दैट मतलब जो रिचुअल करते हैं हम सारे रिचुअल्स होते हैं, तो उनमें से जो है तो उसको नदियों में बहाया जाता है, फेंका हुआ है। तो इस इमेज के थ्रू लोगों को कि हमें जितनी सैक्रेड हमारे उतना ही सैक्रेट हमारे रिवर, उतने ही सैक्रेट जो है हमारे बर्ड्स भी हैं, सारे उतने ही हमारे रिचुअल्स हैं। तो ये लैपटॉप ऊपर वहाँ पे गिरा हुआ था, तो मैंने इसको इस तरीके से कैप्चर करूँ कि लोगों को ये पता लग पाया यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं छोड़ना। और मैं इस जो ये मूवमेंट पे हैं, जैसे दोनों का हेड जो है एक परफेक्ट पोजीशन पे है, तो मैंने इसकी एक्सपेक्ट किया पहले से, प्री विजुलाइज क्रिया की, तो ताकि ये उस मोमेंट पे आ सके और मैं पिक्चर को कैप्चर कर सकूं। तो मैं ये भी बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ये भी बहुत सारी चीज आपको पहले से ही चीज़ों को प्री विजुलाइज एंटिसिपेट करना पड़ता है कि ये तब जब आप अपने सब्जेक्ट का बिहेवियर कि वो कैसे नेक्स्ट मोमेंट पे कैसे बिहेव करने वाला है। So another thrilling picture from your collection is that of the action shot between a this one, sorry, between a jungle crow and a vulture. So could you please share the storytelling behind this pic too? Yeah, no, it's a beautiful picture for me as well. ऐसे moment जो हैं हर दिन नहीं आते हैं। मैं Pong Dam में ही क्लिक करी हुई है, proper Pong Dam. यहाँ पे जो ग्रिफोन बल्चर के साथ जो इमेजेस हैं, तो जो बल्चर्स की पॉपुलेशन है ज्यादा है, स्पेशली वाइट बल्चर जो है यहाँ पे पूरे इंडिया पूरी बर्ड सेंचुरी में 75% ऑफ बल्चर्स यहीं पे पाए जाते हैं इस बर्ड सेंचुरी में। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तो यहाँ पे जो फेरल हैं इन थाउजेंड ऑफ नंबर्स इन दिस, तो अब क्या है कि जब वो मरते हैं इनको क्लीन करते हैं, वो इनको फीड करते हैं वल्चर जो है। तो यहाँ पे मेरे को पता था कि कहाँ पे एक कौ जो मरी हुई थी, तो ये कारकस पे और क्रो आके कर रहे थे कि नेचर में आपको पता है कि क्रो एंड नेचर्स बुली, तो इसी तरह वो बुली कर रहे थे। और उसी टाइम पे मैंने बताया कि आपको पहले से ही आइडेंटिटी विजुलाइज करना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर बिहेविंग। तो इसी तरीके से मैंने पता था कि क्रो जो है वो बुली करते हैं वल्चर्स को, तो मैंने वो विजुलाइज करके उस शॉट को लिया। So it seems that you had a really great experience with that shot. So our
So our last picture is the peak of the River Tarn, which was in flight. The picture, actually, you see a cropped version picture on Instagram. क्योंकि Instagram जो है वो mostly जो cropped picture को ज़्यादा preference देता है. मैं भी उसमें कोशिश करता हूँ कि जो cropped post करने के लिए. This is the actual picture and you कि ये टेक ऑफ ले रहा है, रिवर टर्न है ये. तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि जनवरी में लिया हुआ है पिक्चर है. नॉर्थ इंडिया इन जनवरी इट्स क्वाइट कोल्ड हियर, तो ये रिटर्न्स जो है उस टाइम पे हमें पास नहीं आने देते हैं, पास नहीं आने देते. तो मैंने क्या करा कि एक सेटअप बनाया हाई टाइप, मैं अपने आप को मैं कंसील कर सकूं, बना के बैठ गया. दे विल कम देयर, मैं उनका शॉट ले सकूं. जब वो वहां पे वेटिंग फॉर मी एंड इट वाज कोल्ड देयर, वहां पे 3 घंटे बैठे, वो वहां पे आए और उसके बाद जब वो उड़े तब मैं उनका ये शॉट ले पाया था. अभी तो हम इस शो के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क यू टू से अ फ्यू वर्ड्स टू आवर ऑडियंस एट लास्ट. मेरा यही मैसेज है कि जो बिगिनर्स हैं स्पेशली उनके लिए, कि कोई भी चीज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो उनको हर बार जाके फील्ड में ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है, अगर कोई चूज करना चाहता है एज ए, बड़े सारे लोग ये पूछते हैं कि एज ए प्रोफेशन कैन बी चूज इट, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडिया में आप भी जानते हैं, सारे जानते हैं, अब आजकल तो सोशल मीडिया आ चुका है, थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफर्स आर देयर. पर अगर आपको इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई भी यंगस्टर या कोई भी बिगिनर इसमें कैरियर बनाना चाहता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, देन आपको टॉप में रहना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा, तभी आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं. अदरवाइज ये आप अपने पैशन के लिए कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड हॉबी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एनीवन. बट इफ यू थिंक दैट यू कैन गेट मनी फ्रॉम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, दैट इज पॉसिबल, बट यू नो यू हैव टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट. दिस इज माई मैसेज टू ऑल यंगस्टर who are seeking into wildlife photography. Mr. Thakur, we are to the end of this session and you really said very well to our viewers. It was great interacting with you. I must say that you are truly an amazing and inspiring personality. All the best for your future endeavors. Thank you, ma'am. Thank you. It's a pleasure meeting to you. Same here. Bye-bye. So audience, this was Ankush Thakur from the field of wildlife photography. Hope you liked today's interview. I will be back soon with another eminent personality very soon. Till then, thank you so much for watching.